हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल डोमेन पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लॉयडी के बारे में देखा था कि प्लॉयडी क्या है प्लॉयडी इज सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रजेंट इन अ सेल इट मे भी हैप्लॉयड इट मे बी डेफ्लॉयड इट मे बी पॉलीप्लॉइड एंड इफ द नंबर चेंजेस इन क्रोमोजोम पार्टिकूलर क्रोमोजोम नंबर दैट इज एन्यूफ्लॉयडी ये हम लोग देख चुके हैं कि अगर पूरे सेट में चेंजिंग होता है मतलब डायफ्लॉइड से सीधे पॉलीफ्लॉयड हो जाता है मतलब टू एन से थ्री एन फोर एन फाइव एन होता है तो वो था आपका न्यूप्लॉयडी और एन्यूप्लाइडी क्या था कि पूरे सेट ऑफ क्रोमोजोम में एक पेयर मतलब अगर वन से ट्वेंटी थ्री तक का पेयर है उसमें से किसी पार्टिकुलर क्रोमोजोम चेंजिंग हो जैसे जैसे ये है ट्वेंटी थ्री पेयर इसमें प्रेजेंट है इसमें से कोई एक पार्टिकुलर या तो नाइनटीन या तो ट्वेंटी या तो नाइन या तो टेन कोई भी एक पार्टिकुलर नंबर डिलीट हो या एडिशन एद, हो उसमें तो वो क्या था आपका एन्युप्लॉयडी तो एन्यप्लायडी को हम लोग सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं द द्लॉयडी इन विच देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूरा सेट यहाँ चेंज नहीं हो रहा सिर्फ एक पार्टिकुलर नंबर चेंज हो रहा है फिफ्टीन नंबर सिक्सटीन नंबर मतलब एक पेयर से अगर वो डिलीट हो रहा है या उसमें एडिशन हो रहा है और ये अन्प्लॉयडी होता क्यों है ये कुछ क्योंकि अगर नेचर किसी को कोई चीज़ दिया है नेचर जैसा बनाया है वैसा रहे तो वो एक नॉर्मल वे है लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग होने लगा जैसे क्रोमोजोम अगर डायप्लॉयड फॉर्म में है प्रेजेंट लेकिन उसमें टाइप्लॉयड हो रहा है या उसमें से कोई पेयर गायब हो रहा है तो यहाँ इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ी हो रहा है और जो ये फॉर्मेशन होता है सेल का हम लोग देखें कि म्योटिक डिवीजन के द्वारा होता है तो वहाँ पे जो भी अगर गड़बड़ी होगा तो वो कहाँ होगा सेल साइकिल में ही होगा तो उस गड़बड़ी से एक फॉर्म चेंज होता है जिसको ही हम लोग बोलते हैं एन्योप्लॉयडी जिसका एक नेम है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्योंकि ये डिसऑर्डर कहाँ हो रहा है क्रोमोजोम में इसलिए इसको क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर में जब चेंज होता है तो क्या क्या डिजीज पैदा करता है आज हम लोग ये देख रहे हैं कि क्रोमोजोम के नंबर पार्टिकुलर क्रोमोजोम नंबर अगर जब चेंज हो रहा है तो वो कैसे एफेक्ट कर रहा है ह्यूमन को क्योंकि जो एनिप्लॉइडी है वो ज़्यादातर एनिमल्स में देखा जाता है और मोस्ट ऑफ द ह्यूमन में देखा जाता है तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं एनिप्लॉडी को दो भाग में डिवाइड किया गया है हाइपोप्लॉयडी और हाइपर प्लॉयडी हाइपो मतलब यहाँ डिलीट डिलीशन ऑफ क्रोमोजोम नंबर हो रहा है और हाइपर का मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ क्रोमोजोम नंबर हो रहा है हाइपोप्लाइडी को फर्दर मोनोसोमी और नलीसोमी में डिवाइड किया गया है मोनो का मतलब वन तो यहां पे जो डिलीशन होगा तो वो जो भी हम लोग करेंगे वो डायप्लॉयड सेल में करेंगे तो डायप्लॉय सेल का नंबर कितना है टू एन तो इसमें से पार्टिकुलर क्रोमोजोम चेंज हो रहा है मतलब डिलीट हो रहा है तो यहां पे क्या होगा टू एन माइनस वन ठीक है और नलीसोमी में क्या हो रहा है एक पूरा होमोलोगस क्रोमोजोम ही हट जा रहा है तो इसका होगा टू एन माइनस टू यहां पे लिख देते हैं ये क्या है डिलीशन ऑफ क्रोमो नॉट सेफ ओनली क्रोमोजोम अब हम लोग देखते हैं हाइपर इसको दो भाग में डिवाइड किया गया हाइपर का मतलब क्या होता है मोर और मोर मतलब इसमें एडिशन होगा जैसे डायप्लॉयड है उसमें किसी पार्टिकुलर क्रोमोजोम में एक एडिशन होगा एक दो इन मोरन तो इसको डिवाइड किया गया ट्राइसोमी और टेट्रासोमी में अब ट्राइसोमी में क्या होगा तो टू एन प्लस वन ऐसे डायप्लॉयड है लेकिन एक एडिशन हो रहा है तो डायफ्लॉयड से ट्राइप्लॉयड हो जाएगा मतलब वहाँ पे ट्राई हो रहा है तो टू एन प्लस वन और यहाँ टेट्रा है तो मतलब दो से क्या हो रहा है चार हो रहा है तो दो का मतलब टू एन और चार हो रहा है तो इसमें टू टू ऐड कर देंगे तो टू एन प्लस टू अब अब क्या है कि ट्राइसोमी को ही फर्दर ऑटोसोमल और एलोसोमल में डिवाइड किया गया है इसको हम देखते हैं पहले देखते हैं कि मोनोसोमी जो है उसमें कौन कौन सा मतलब इसमें जब गड़बड़ी हो रहा है तो कौन सा डिजीज होगा मोनोसोमी में इसका एग्जाम्पल लेते हैं इसका है टर्नर्स सिंड्रोम अभी आप लोग नेम देखिए इसको मैं आगे बताती हूँ टर्नल सिंड्रोम ट्वेंटी टू प्लस एक्स ओ मतलब ये सेक्स में एक एक आपका गायब हो गया ऐसे ट्वेंटी थ्री पेयर होता है ये भी एक पेयर है लेकिन यहाँ पे ओ का मतलब कुछ नहीं तो एक है ट्वेंटी थ्री तो यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर कितना हो गया ट्वेंटी टू का पेयर मतलब फोर्टी फोर और ये एक मतलब यहाँ पे फोर्टी फाइव क्रोमोजोम हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम में कितना क्रोमोजोम हो गया फोर्टी फाइव क्रोमोजोम ऐसे कितना होता है फोर्टी सिक्स होता है और इसका एक और एग्जाम्पल है मोनोसोमी का क्राई डू चैट जिसमें बच्चे का आवाज बिल्ली के जैसा निकलने लगता है इसमें क्या होता है डिलीशन ऑफ फिफ्थ क्रोमोजोम फिफ्थ क्रोमोजोम पे जो क्रोमोजोम है वहां से एक क्रोमोजोम ही हट जाएगा डिलीशन फिर क्रोमोजोम ये हो गया मोनोसोमी में क्या हो गया गायब हो जाएगा अब है ट्राइसोमी ट्राइसोमी को फर्दर दो डिवाइड किया गया ऑटोसोमल और एलोसोमल ऑटो का मतलब ही होता है क्या ऑटोसोमल यहाँ पे ऑटो का मतलब से नहीं देखेंगे ऑटोसोम और एलोसोम हम लोग देखे हैं ऑटोसोम मतलब जो सोमेटिक सेल्स में डिवाइड होता है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा वो ऑटोसोमल है तो ये भी यही है यहां पे बॉडी सेल में जो भी चेंजिंग होगा वो सोमेटिक सेल में चेंज होगा सोमेटिक सेल चेंजेज सोमेटिक सेल में क्या होगा क्रोमोजोम नंबर चेंज होगा क्रोमोजोम नंबर चेंज होगा जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका सबसे कॉमन एग्जाम्पल डॉन सिंड्रोम डॉन सिंड्रोम जहां पे क्या होगा ट्राइसोमी होगा ट्राइसोमी होगा मतलब ट्रिपल हो जाएगा क्रोमोजोम एक जगह का कहाँ का होगा डॉन सिंड्रोम में वो ट्वेंटी वन क्रोमोजोम का ट्वेंटी मतलब इसको बोल सकते हैं ट्राइसोमी ऑफ ट्वेंटी वन क्रोमोजोम इसको फिगर के द्वारा मैं अभी बताती हूँ डॉन सिंड्रोम है इसका एग्जाम्पल और क्या एग्जाम्पल हो सकता है एडवर्ड सिंड्रोम एडवर्ड अभी आप लोग नेम सिर्फ देखिए एडवर्ड सिंड्रोम यहाँ पे जो चेंजिंग होता है क्रोमोजोम का वो होता है आपका एटीनथ पे एटीन क्रोमोजोम का ट्राइसोमी होता है मतलब दो क्रोमोजोम है वहाँ पे डायफ्लॉइड है तो एक और हो जाएगा थ्री थ्री हो जाएगा और इसका एग्जाम्पल है पटाऊ सिंड्रोम पटाऊ सिंड्रोम सिंड्रोम में कहाँ पे चेंजिंग होगा थर्टींथ क्रोमोजोम पे थर्टीन क्रोमोजोम पे थर्टीन क्रोमोजोम पे ट्राइसोमी होगा अब है एलोसोमल तो एलोसोमल जो है जैसे ऑटोसोम और एलोसोम था तो एलोसोम को सेक्स क्रोमोजोम से देखते हैं तो यहाँ पे जो भी चेंज होगा सेक्स क्रोमोजोम में सेक्स क्रोमोजोम में क्या होगा क्रोमोजोम नंबर चेंज होगा क्रोमोजोम नंबर चेंज होगा मतलब कहाँ होगा या तो एक्स एक्स में होगा एक्स एक्स में या एक्स वाई में या तो इसमें यहाँ पे जब भी होगा तो एडिशन ही होगा तो यहाँ x एक्स एक्स हो सकता है या एक्स एक्स वाई हो सकता है यहाँ एक्स एक्स वाई हो सकता है या एक्स वाई वाई हो सकता है ये आपका क्या हो रहा है ट्राइसोमी हो रहा है मतलब तीन के फॉर्म में ये आ रहा है तो ऐसा जब कंडीशन होता है तो इसमें कौन कौन सा डिजीज हो सकता है जैसे आपका इसका एग्जाम्पल है सुपर मेल्स तो सुपर मेल्स होगा तो यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है किसमें सेक्स क्रोमोजोम में तो आ, आपका ऑटोसोम्स वाला मतलब सोमेटिक सेल तो सिमिलर ही रहेगा तो वो 22 ट्वेंटी टू पेयर मतलब फोर्टी फोर तो वो रहेगा आपका और बाकी जो चेंज अगर होगा तो अगर इसमें फीमेल में अगर चेंज हो रहा है तो एक्स एक्स तो पहले से है और एक और एक्स ऐड हो गया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं एक और ऐड हो गया आ, ये तो मेल्स का मैं लिखी हूं तो यहां पे वाई हो जाएगा मेल्स में क्या हो जाएगा दोनों वाई हो जाएगा पहले से एक वाई तो है ही लेकिन ये सुपर मेल्स है तो सुपर का मतलब ही हुआ कि एक मेल है ही और उसमें मेल का कैरेक्टर और आ गया अब सुपर फीमेल है सुपर फीमेल है तो उसमें क्या होगा बताइए सुपर फीमेल होगा तो पहले तो फोर्टी फोर प्लस एक्स एक तो आपका उसमें प्रेजेंट ही है एक और एक हो, हो जाएगा इसका ट्राइसोमी हो गया अब इसमें एक और है इसका एग्जाम्पल है आपका क्लाइन क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम में क्या होगा कि आपका फोर्टी फोर है ये चीज कॉमन रहेगा इसमें क्योंकि ये चेंज हो रहा है सेक्स में सेक्स रोमोजोम तो फोर्टी फोर प्लस यहाँ पे क्या होगा एक सेक्स रहेगा फीमेल का कैरेक्टर रहेगा और एक मेल का कैरेक्टर आ जाएगा तो ये वाला जो होता है इसमें जो मेल होता है वो फीमेल कैरेक्टर शो करता है ये सारा आपका हो गया क्या एक ब्रॉड आइडिया हो गया आपका एक क्या बोल सकते हैं कि आ, इसको मैंने डिवाइड करके दिखा दिया कि अन को कैसे फर्दर फर्दर डिवाइड करके अब इसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं ठीक है मोनोस जैसे आप देखिए ये अगर नॉर्मल क्रोमोजोम को देखें तो नॉर्मल क्रोमोजोम तो ट्वेंटी थ्री पेयर्स में प्रेजेंट है आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन टू ट्वेंटी थ्री जिसमें ट्वेंटी थ्री जो लास्ट वाला है एक्स एक्स है फॉर फीमेल के लिए और एक्स वाई है मेल के लिए मैं इसी में बना दूँ कि ताकि ये मेल और फीमेल दोनों आ जाए अब क्या होगा जब मोनोसोमी होगा यहाँ तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो रहा है तो जब मोनोसोमी होगा तो एक आपका हटेगा कहीं से हटेगा कोई भी वन से हटे टू से फोर से फिफ्टीन से कहीं से भी हटे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कहाँ से हट रहा है मोनोसोमी में 23 पेयर से हट रहा है बाकी 22 तक तो आपका नॉर्मल है क्रोमोजो कहाँ पे हट रहा है 23 में हट रहा है तो यहाँ पे क्या एक एक्स तो प्रेजेंट है आपका लेकिन एक जो एक्स का जगह था वहाँ पे वो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो ये ऐसा जब कंडीशन होता है तो उसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम क्या बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम ये क्यों होता है जैसे आपका जब म्योटिक डिवीजन आप पढ़े थे तो उसमें एक एना फेज था पहले म्योटिक वन म्योटिक टू एना फेज वन उसमें एना फेज वन में क्या होता है जब क्रोमेटी डिवाइड होने के लिए डिफरेंट पोल्स में जाता है तो उस समय क्या होता है जैसे देखिए हाँ जैसे ये मेटाफेज में पहले इक्वेटोरियल प्लेट पे आया उसके बाद क्या होता है कि जब ऐनाफौज में ये डिफरेंट पोल्स में जाने लगता है तो क्या होगा जब ये इससे फिर इसमें डिवाइड होकर जाने लगेगा तो क्या करेगा दोनों एक ही तरफ आ जाएगा मान लीजिए ये भी इधर ही आ गया और इधर वाला कुछ रहा ही नहीं मतलब एक पोल में आ गया एक पोल में नहीं आ गया तो जब ये डिवाइड होगा जब ये टेलो फेज में जाएगा तो क्या होगा कि दोनों सेल जो होगा इधर में तो कुछ रहेगा ही नहीं क्रोमो और फिर जब फर्दर ही डिवाइड होके सेल का निर्माण करेगा तो ये क्या होगा जैसे मैं ये इसको फ्रेश समझाती हूँ जैसे देखिए मेटाफेज तक तो आप जान रहे हैं अब जब मेटाफेज हो गया तो फिर यहाँ पे क्या है पोल है आपका अब पोल्स में क्या हो रहा है कि क्रोमेटिड जो है डिवाइड होने के लिए आ रहा है अब दोनों क्या होगा कि जब डिवाइड होगा तो दो दोनों इधर आ गए और इस पोल में कुछ रहा ही नहीं तो जब ये फर्दर डिवाइड होगा दो सेल्स का निर्माण करेगा तो क्या होगा कि इसमें आपका दो क्रोमोजोम आ गया इसमें कुछ आया ही नहीं तो यहीं पे जो गड़बड़ी हुआ इसके कारण ही क्या होता है नन डिसजंक्शन वो मैं अगले वीडियो में अच्छे से आपको समझाऊंगी पहले आप ये देखिए उसका रीजन वही है कि क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्यों होता है तो म्योटिक डिवीजन में भी म्योटिक फर्स्ट के एनाफेज वन में गड़बड़ी होने के कारण वो डिफरेंट पोल्स में नहीं जाके एक ही जगह जाके जमा हो जाता है जिसके कारण क्या होता है या एक जगह जमा हो गया या दूसरे जगह जमा हो गया जिसके कारण सेल्स में गड़बड़ी हो जाती है तो टर्नर सिंड्रोम है तो यहाँ पे क्या हुआ ट्वेंटी थर्ड क्रोमोजोम पे चेंजिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका तो ट्वेंटी टू तक तो सेम है लेकिन कहाँ चेंजिंग हुआ ट्वेंटी थर्ड पे तो यहाँ पे एक्स और ओ का मतलब कुछ नहीं इसको मैं फोर्टी फोर और प्लस एक्स ओ भी लिख सकती हूँ तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हुआ फोर्टी फाइव क्रोमोजोम हुआ जबकि नॉर्मली कितना होता है फोर्टी सिक्स होता है ये हो गया टर्नर सिंड्रोम अगर डाउन सिंड्रोम देखें तो डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा था यहाँ पे तो डिलीशन हो गया एक हट गया और डाउन सिंड्रोम में क्या होगा ट्वेंटी वन नंबर पे यहां पे गड़बड़ी हो रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है बाकी ये फीमेल के लिए मैं बनाई हूं ये मेल के लिए भी हो सकता है तो ये ट्वेंटी वन नंबर पे क्या हो रहा है दो तो उसके पास तो था ही होमोलोगस क्रोमोजोम एक एक्स्ट्रा एड हो गया जिसके कारण वो ट्राइसोमी हो गया तो ट्राइसोमी किसका हुआ ट्वेंटी वन क्रोमोजोम का अब एक है जो आपके एन में दिया हुआ है उस उन तीनों एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रही हूँ एक है क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम तो यहाँ पे क्या होगा आपको कि यहाँ पे भी सेक्स क्रोमोजोम में चेंजिंग होगा एक सेक्स तो पहले से मौजूद है उसका और यहाँ पे एक वाई क्रोमोजोम आ जाएगा जिसके कारण किसका ट्राइसोमी होगा ट्वेंटी थर्ड क्रोमोजोम का जिसको फोर्टी फोर प्लस एक्स वाई वाई के इसमें कितना क्रोमोजोम हुआ टोटल में तो फोर्टी सेवन इन नंबर ठीक है अब हमको एक एक करके सबको समझना है पहले हम लोग पढ़े थे यहाँ पे देखिए मोनोसोमी जिसमें दो एग्जाम्पल पढ़े थे टर्नल सिंड्रोम और प्राइड्यूचैट तो टर्नल सिंड्रोम में तो ये वाला आप समझ गए कि यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है जिसके कारण फोर्टी फाइव क्रोमोजोम हो जा रहा है एक एक्सी गायब हो जा रहा है और ये ज्यादातर फीमेल में होगा और क्या है कि एक आप पढ़े थे क्राइडोचैट इसमें क्या होगा फाइव क्रोमोजोम से एक एक क्रोमोजोम आपका हट गया हट गया तो क्या होगा बाकी सारा सेम है लेकिन ये वाला हट गया तो ये क्राइडोचैट हो जाएगा क्राइडोचैट सिंड्रोम हो जाएगा और नलीसोमी में क्या होगा एक पूरा पेयर फाइव हो चाहे टेन हो कोई पेयर पूरा हट गया तो वो हो जाएगा आपका नलीसोमी ठीक है अब है ट्राइसोमी तो ट्राइसोमी का मैं एग्जाम्पल दी यहाँ पे डाउन सिंड्रोम जहाँ पे क्या हो रहा है एक क्रोमोजोम का ट्रिपल हो जा रहा मतलब यहाँ पे दो पहले से प्रेजेंट था एक इसमें आके ऐड हो जा रहा तो ये डाउन सिंड्रोम कहाँ हो रहा है आपको ये ज्यादा याद रखना है ट्वेंटी वन क्रोमोजोम पे और क्या था ट्राइसोमी का एक और एग्जाम्पल ट्राइसोमी में एक ट्वेंटी वन क्रोमोजोम का ट्राइसोमी हुआ तो डाउन सिंड्रोम हुआ अब अगर यही एटीन क्रोमोजोम में एक और आ गया मान लीजिए यहां पे एक और आ गया तो इसको कौन सा बोलेंगे हम लोग एटीन क्रोमोजोम पे आ गया तो इडवर्ड इडवर्ड सिंड्रोम ठीक है अगर इडवर्ड सिंड्रोम हो गया अगर पटाओ सिंड्रोम है तो कहां पे आएगा बताइए हाँ थर्टीन क्रोमोजोम पे थर्टीन क्रोमोजोम में अगर एक ऐड हो गया तो ये हो गया पटाओ सिंड्रोम पटाऊ सिंड्रोम अब इसमें एलोसोमल में भी ये समझ गए क्लाइन फिल्टर तो मैं बता ही दी यहाँ पे कि यहाँ पे एक वाई एड हो गया एक सेक्स में तो ये क्लाइन फिल्टर्स हो गया बाकी आपका सब सेम ही है यहाँ पे एक एक एक्स एक्स हो गया तो क्लाइन फिल्टर अगर यही इसी तरह से आपका सुपर मेल और फीमेल ये सब हो सकता है अब क्या है कि जो ये आपका जो है डाउन सिंड्रोम हुआ टर्नर सिंड्रोम हुआ इसका कैरेक्ट्रिस्टिक्स क्या है उसके बारे में अगर देखना है तो हम लोग इसको देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम्स है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स है टर्नर सिंड्रोम्स है उसमें क्या क्या करेक्ट्रिस्टिक्स होगा खुद बताइए आप जैसे ये डाउन सिंड्रोम्स है इसका क्या कैरेक्टेरिस्टिक्स होगा यहां पे आपको होगा कि इसको सबसे पहले कौन डिस्क्राइब किया है कौन बताया है वो हम लोग देखते हैं तो लैंग डॉन 1866 में इसी के नाम पे ये सिंड्रोम का नाम डॉन सिंड्रोम पड़ा लैंगडन डॉन के नाम पे तो इसमें क्या होगा जो इसमें जो बच्चा होगा मतलब जो जो बच्चे का निर्माण होगा वो उसका जो होगा वो सबसे पहले क्या होगा शॉर्ट होगा शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होगा बीथ स्मॉल राउंड हेड और उसका जो टंग होगा वो फरोड होगा मतलब ऊपर की ओर मुड़ा होगा फरोड टंग जिसके कारण क्या होगा उसका जैसे हम लोग जब मुंह को बंद करते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा हम लोग का जो जीव है टंग है वो ऊपर की ओर ऊपर तलवा में जाके सट जाता है लेकिन इन लोग में क्या होगा ये थोड़ा सा मुड़ा होगा जिसके कारण ये सट नहीं पाएगा जिसके कारण उसका मुंह थोड़ा सा खुला लगेगा फरवर्ड टंग ओपन माउथ और क्या है डॉन सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक कि हम लोग का जो ये हथेली है ये हम लोग का हथेली जो है इसमें बहुत सारा लाइनिंग है, क्रीज है लेकिन उसमें क्या होगा उसमें सिर्फ एक लाइनिंग होगा सिर्फ सिंगल लाइनिंग होगा उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं पाम क्रीज होगा पाम क्रीज और उसका जो मेंटिलिटी होगा मेंटल पावर जो होगा टलिटी मेंटल पावर जो होगा फिजिकल और साइको मोटर साइको मोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड ठीक है और इसमें क्या होगा जो भी ट्राइसोमी होता है उसमें ज्यादातर क्या होता है उसका हार्ट जो होता है वो थोड़ा कमजोर होता है बाकी आप टर्नल सिंड्रोम्स इसमें क्या होगा इस डिसऑर्डर में क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखना है तो इसमें क्या होगा यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम तो एक एबसेंट है तो यहाँ की जो फीमेल होगी ये फीमेल्स क्या होगी स्ट्राइल होगी स्ट्राइल होगी फीमेल तो क्या होगा वहां पे ओवरी उसका ओवरी रिडीमेंट्री होगा मतलब होगा लेकिन छोटा होगा और वो कोई काम का नहीं होगा और उसमें जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो भी एबसेंट होगा ठीक है अब क्या है ये जो है क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है इसमें जो मेल होगा क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है फीमेल का कैरेक्टर्स क्या कर रहा है डोमिनेट कर रहा है तो यहां पे क्या होगा फेमिन डेवलपमेंट फेमिनिन डेवलपमेंट इन मेन इन मेन कैसे तो जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल का वो इशारे डेवलपमेंट्स मेल में होंगे जैसे डेवलपमेंट किसमें क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जिसको एक टर्न दिया गया है गाइनेको मैस्टिया और ये भी जो मेल होंगे वो क्या होंगे स्ट्राइल होंगे इंडिविजुअल जो होगा ये स्ट्राइल होगा इंडिविजुअल्स आर स्ट्राइल ये आपका जो सारा सिंड्रोम आज हम लोग पढ़ें होप कि आपको समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो ये थोड़ी समझ में आया तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें थैंक यू